अगली खबर कोरबा से, जहां पर एक हाथी ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। करतला वन परिक्षेत्र के बेगामार की घटना है। 41 साल के मालिक राम राठिया की इसमें मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद वन विभाग का अमला वहां मौके पर पहुंचा है। सबसे बड़ी खबर कोरबा में हाथियों का आतंक, जहां पर एक हाथी ने एक 41 साल के व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है और वहां पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया है। और इस सूचना के बाद वहां पर स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीण लोग सख्त में है कि आखिरकार कब तक हाथियों की दहशत से उन्हें निजात मिलेगी। ये करतला वन परिक्षेत्र के बेगामार का मामला है, जहां पर 41 साल के एक ग्रामीण की हाथी ने पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस तमाम जानकारी के लिए मनोज यादव। मनोज, एक ग्रामीण को हाथी ने पटक पटक कर मार दिया, ये व्यक्ति कहाँ गया था और आखिरकार ये घटना किस तरह घटी? जी, घटना करतला वन परिक्षेत्र के बैगामार की घटना है। मृतक 41 वर्षीय मालिक राम राठिया सुबह घर से शौच में निकला हुआ था। इस दौरान दंतेल हाथी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं घटना की सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंच गई है और हाथी को रेस्क्यू कर जो है जंगल की ओर खदेड़ा जा रहा है। जी, जो है पिछले जनवरी माह से अब तक जो है चौथा मौत है। वहीं कई घायल हो चुके हैं हाथी के हमले से। क्या लगता है, जिस तरह हाथियों का जिस तरह से आतंक वहां देखने को मिल रहा है, तो वन विभाग क्या कुछ एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि आपने बताया मनोज कि चार लोगों की मौत हाथियों के द्वारा हो चुकी है, हाथियों के आतंक से उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। ऐसे में वन विभाग क्या कुछ कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है या अब तक वो हाथ पैर धर बैठा है? वन विभाग का कहना है कि जो है कोरबा जो है पड़ोसी जिला रायगढ़ से जिला हुआ है, जो हाथियों का गढ़ माना जाता है। इस वजह से जो है हाथी जो है कटहल और जो है पीपल के चलते जो है ग्रामीण अक्सर गांव में लगाए हुए हैं बाड़ियों में, और पकने तक उसके सुगंध से जो है हाथी अधिकांश जो है ग्रामीण क्षेत्र में ही डेरा डाले हुए हैं, जिसके चलते हाथियों से जो है घटनाएं घट रही हैं। और वन विभाग रही बात, वन विभाग जो है इसके इसके लिए वन विभाग के कारण काफी मशक्कत अपन कर रहे हैं। जी, यानी कि वन विभाग की हम बात करें तो उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है और इस तरह से ये चौथी मौत सामने आ रही है। क्या लगता है, ग्रामीणों का आक्रोश वहां पर नजर आ रहा है वन विभाग के खिलाफ, या फिर ग्रामीण का क्या कुछ अगला एक्शन हो सकता है? ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, अभी भी जो है किसान जो है खेती करने के लिए पीछे हो गए हैं। और रही ग्रामीणों की बात इसे लेकर, इससे पहले भी जो है कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा जा चुका है हाथियों के कॉरिडोर बनाने के लिए और हाथियों से बचाव के लिए उनके जो है सामग्री वितरण के लिए। चलिए मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि हम बता दें आपको कि कोरबा के पास जो करतला गांव है, वहां पर हाथियों के आतंक बरकरार है और एक आज फिर एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया गया है, और जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल तो है ही, साथ में वो आक्रोशित है कि वन विभाग की टीम कोई भी एक्शन क्यों नहीं लेती है।